तो ये देखिए आज मैं बना रही हूँ मटर पनीर। तो जिसके लिए मैंने यहाँ पर लगभग 200 ग्राम पनीर लिया हुआ, ये मार्केट से लाया हुआ है मैंने, और यहाँ पर 1 कप फ्रेश मटर लिए हुआ है। मटर को भी अच्छी तरह से धो लिया है मैंने। तो अब लगाते हैं तड़का। देखिए मटर पनीर बनाने के लिए मैंने 2 चम्मच सरसों का तेल डाल दिया है। तेल गर्म हो चुका है तो मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच जीरा, साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 2 तेज पत्ते और 1 बड़ी इलायची, 2 हरी इलायची, और इनको क्रैक कर लिया है मैंने। और अब मैं साथ में डाल रही हूँ 6-7 काली मिर्च और 2 लौंग, और बिल्कुल धीमी आंच पे हल्का सा मसालों को भूनने देंगे। देखिए मसालों को मैंने हल्का सा भून लिया है, बढ़िया खुशबू आ रही है। देखिए इसमें मैं डाल रही हूँ 6 से 7 लहसुन की कलियाँ और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा मैंने ऐसे रफली चॉप कर लिया है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ लंबाई में कटे हुए प्याज, तो मैंने 4 प्याज लिए थे, इस तरह से डाल देंगे। और फुल आंच पे मैं 2 मिनट भून लूँगी प्याज को। ये देखिए इस तरह से लगातार चलाते हुए, अगर आप फुल आंच पे नहीं भून रहे हैं तो आप गैस मीडियम पे कर दीजिए और ऐसे ही 2 से 3 मिनट के लिए भूनने दीजिए प्याज को। तो ये देखिए फुल आंच पे मैंने प्याज को 2 से 3 मिनट भून लिया और आप देख सकते हो बढ़िया गोल्डन कलर आ चुका है। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ सूखे मसाले। तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ इसमें 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच में डाल रही हूँ इसमें मिर्च पाउडर। मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हो। तो अब मसाले को मिक्स कर लेंगे बढ़िया, और गैस की आंच अभी मैंने मीडियम रखी हुई है। तो 2 मिनट मसालों के साथ में प्याज को भून लेती हूँ मैं। ये देखिए धीमी आंच पे मैंने मसाले को भून लिया है। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टमाटर, और टमाटर ध्यान रखें कि ये पनीर की सब्ज़ी में ज़्यादा खट्टे वाले ना डालें। अगर खट्टे टमाटर तो आप 1 डाल सकते हो, तो मैंने यहाँ पर ऐसे गूदे वाले टमाटर लिए हुए हैं, तो 2 टमाटर डाले हैं वो रफली बड़े बड़े चॉप किए हुए। और 1 चम्मच मैं यहाँ डाल रही हूँ सेंधा नमक, और अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ये देखिए सभी चीज़ों को बढ़िया मिक्स कर दिया है मैंने। और अब मैं ढक करके बिल्कुल धीमी आंच पे टमाटर को मैं पकने दूंगी। ये देखिए ढक दूंगी। तो ये देखिए टमाटर बढ़िया सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब मैं क्या करूँगी, गैस ऑफ कर दूंगी और ये मसाले को ठंडे होने दूंगी, और इस मसाले को पीस लेना है हमें। और पीसने से पहले मैं इसमें से ये बड़ी इलायची, तेज पत्ता, और अगर आपने कोई खड़े मसाले डाले तो उन सबको निकाल दीजिए। अगर आप उसको स्ट्रॉन्ग फ्लेवर वाली सब्जी चाहिए तो आप उसे रहने दे सकते हैं, लेकिन मैं इनको निकाल करके पीस लूँगी। तो ये देखिए मटर भून रही हूँ हमें उसी कढ़ाई में। तो मैंने 1 चम्मच यहाँ बटर डाल दिया है, और यहाँ पर मटर डाल दूँगी और थोड़ा सा सॉल्ट डालूँगी 2 चुटकी के करीब। ये देखिए और मिक्स कर दूँगी बस ऐसे ही सिंपल सा, और ढक करके 2 मिनट के मटर को पकने देंगे। तो ये देखिए 2 से 3 मिनट मैंने बिल्कुल धीमी आंच पर ढक करके मटर को थोड़ा सॉफ्ट कर लिया है। ये देखिए क्योंकि फ्रेश मटर है ये, और आज जी मार्केट से लाए थे, तो आप देख सकते हो कितने बढ़िया दिख रहे हैं, अच्छे शाइन भी दिख रही है बटर से, और सॉल्ट भी डाल दिया था तो बढ़िया टेस्ट आ जाता है। तो अब मैंने जो मसाला पीस लिया है, प्यूरी तैयार कर ली है, वो डाल दूंगी। ये देखिए, और अच्छी फाइन प्यूरी पीसी है मैंने, आप चाहे तो छान भी सकते हो। ये देखिए मिक्सर जार में मैंने थोड़ा पानी डाल दिया है, और अब मैं बचा हुआ मसाला भी डाल दूंगी। ये देखिए, और आप कलर देख सकते हो कितना प्यारा आया है ग्रेवी का हमारे। तो अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी, और ग्रीन ग्रीन मटर कितने बढ़िया दिखाई दे रहे हैं। तो अभी मैंने गैस की आंच फुल कर दी है, तो जैसे ही उबाल आ जाएगा मैं इसमें पनीर डालूंगी। तो ये देखिए बढ़िया उबाल आ चुका है। तो अब मैं इसमें घर की फ्रेश मलाई डाल रही हूँ, और मलाई को मैंने अच्छी तरह से फेंट दिया है। चाहे तो आप मार्केट की क्रीम भी डाल सकते हो, ग्रेवी को और अच्छा क्रीमी बनाने के लिए आप इसमें गाढ़ा दूध भी डाल सकते हो, बढ़िया टेक्सचर आ जाता है। तो ये देखिए मलाई को अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर दिया है, और कलर भी आप देख सकते हो लाइट हो चुका है। तो अब मैं इसमें पनीर डाल दूंगी। ये देखिए, और मैं ऐसे ही पनीर डालती हूँ, चाहे तो आपको फ्राई करके डालना है तो फ्राई करके भी डाल सकते हो। तो ये देखिए हमारी ग्रेवी तो बहुत ही बढ़िया तैयार हो गई, आप टेस्ट करके भी देख सकते हैं, क्योंकि सारे मसाले मैंने इसमें पहले डाल चुकी हूँ। अगर आपको नमक कम लग रहा है तो आप डाल भी सकते हो, तो क्योंकि पनीर में अभी सारा फ्लेवर आना है। तो बिल्कुल धीमी आंच करके मैं सब्जी को बढ़िया धीमी आंच पे 6 से 7 मिनट तक पकने दूंगी, जिससे क्या होगा कि पनीर में बढ़िया फ्लेवर आ जाएगा मसालों का, और हमारी ये मटर पनीर की सब्जी भी तैयार हो जाएगी। गैस की आंच धीमी कर दूंगी और ढक दूंगी। तो ये देखिए पनीर को ढक करके मैंने मसाले के साथ में लगभग 6 से 7 मिनट बिल्कुल धीमी आंच पे पका लिया है,
और आप देख सकते हो कितनी बढ़िया हमारी सब्जी दिखाई दे रही है। मटर का कलर और पनीर भी बढ़िया पक चुके हैं मसाले के साथ में, तो फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है पनीर में। ये देखिए कितनी बढ़िया सब्जी दिख रही है और थिकनेस भी आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया है। इसके साथ में आप रोटी पराठा नान खा सकते हो, तंदूरी रोटी के साथ भी ये बहुत अच्छी लगती है, चावल के साथ तो ग्रेवी अच्छी लगती है। तो आपने देखा कितनी आसानी से मैंने ये सब्जी बनाई है, और ऐसा नहीं है कि हमने इसमें काजू या मगज़ के बीज नहीं डाले तो सब्जी टेस्टी नहीं लगती। जो हमने इसमें मलाई डाली है घर की फ्रेश मलाई, उससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आ जाता है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा।